फ्रेश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। महिपालपुर इलाके में साले ने जीजा और उसके छोटे भाई को चाकू से गोदकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दसनी पश्चिमी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक शख्स ने अपने जीजा और उसके छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वास्तव में जीजा और उसका भाई साले को पीटने के लिए पहुंचा था। इस दौरान आरोपी ने अपने घर में रखे चाकू से उन दोनों पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए दोनों उसके घर से बाहर निकले। इससे गुस्सा इस शख्स ने बीच सड़क पर अपने जीजा और उसके भाई पर तब तक चाकू से वार करता रहा जब तक कि दोनों जमीन पर गिर नहीं गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी 27 वर्षीय उमंग को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतक की पहचान राजेश जो कि उमंग का जीजा था और उसके छोटे भाई रंजन के रूप में हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उमंग महिपालपुर के ब्लॉक में रहता है और वह बेटर का काम करता है। बिहार में रहने वाली उसकी बहन की दूसरी शादी राजेश से हुई थी। राजेश दिल्ली में रहकर एक निजी कंपनी में काम करता था। शादी के बाद ही राजेश अपनी पत्नी पर संदेह करता था। इस लेकर आए दिन उसका अपने उमंग से झगड़ा हुआ करता था, जिसके बाद वीरवार के दिन में भी उसके मोबाइल पर उमंग की इसी बात को लेकर काफी कहासुनी हुई। बात में इतनी बढ़ गई कि राजेश ने उसे धमकी दे दी। वह उसके सबक सिखाने आ रहा था। इसके बाद वीरवार की रात करीब 11 बजे दोनों भाई उमंग के घर पहुंच गए। इस दौरान दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ और बाद में राजेश और उसके भाई ने उमंग की पिटाई शुरू कर दी। अपने बचाव में उमंग ने घर में रखे चाकू से दोनों पर हमला कर दिया, जहां दोनों की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। मेरा नाम हीरा सिंह है। हीरा जी, आपके पड़ोस में क्या हुआ, क्या घटना घटी है? हमारे सुनने में यह है कि यहाँ पर किसी स्टाफ के लड़के मतलब कोई लड़के ने अपने किसी रिश्तेदार का मदद कर दिया। कितने लोगों की हत्या हुई है? अच्छा, कितने बजे की करीब घटना थी ये? 11 बजे की समथिंग। हमारे सुनने में घटना 12:30 रात को। अच्छा, तो क्या वो स्टाफ के सारे लोग यहीं एक ही साथ होटल में ही काम करते थे? नहीं, इतना मैं नहीं जानता, क्योंकि एक्चुअली मैं रात को ड्यूटी पर था, ये सुनी हुई बात है। की घटना हुई और क्या पता चला आप लोगों को? सर, ये समथिंग आपके 11:30-12 बजे सर हमारे सुनाई में आई थी। हमारे नियर बाय वाले होटल के अंदर थोड़ा मर्डर केस हो गया था सर। तो हम भी डर गए थे सर, सारे लोग भीड़ भड़का हो गया था यहाँ पर। तो इस वजह से सर कोई बाहर जा नहीं रहा था। पुलिस वगैरह आ गया था सारा, वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे, दिल्ली पुलिस सर। तो सर हमारे को इतना ही पता। किस नाम से ये होटल है जहाँ पर ये हुआ? ये सर आर्क ऑफ एवलॉन होटल है। अच्छा, हाँ सर, यहाँ की घटना है सर ये। किस चीज़ से मर्डर हुआ, कुछ पता चला आप लोगों को? इस चीज़ का तो सर हमें, लेकिन ब्लड पड़ा हुआ पूरा, तो चाकू हुआ मारा वगैरह तो था सर, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि किस चीज़ से लगा हुआ है। ब्लडिंग तो हो रही थी आदमी को। तो होटल भी बंद कर दिया गया? होटल भी बंद हो चुका है सर। अच्छा, ठीक।